मंदिर से बहुत बड़ा येलो चोले में गुरु जी का स्वरूप मिला था और मैं अपनी मम्मा के घर मंदिर में देखकर ये कह रही थी कि आप हो कौन, क्योंकि मैं शुरू से शिव की भगत रही हूँ। मैंने कहा मैं एक शर्त में आऊंगी अगर आप मुझे अपने अंदर शिव के दर्शन दोगे, क्योंकि मैंने बहुत सुना था गुरुजी के बारे में कि वो शिवलिंग है इतना बड़ा वहां पर वो सब है। तो मैंने कहा एक शर्त में आऊंगी जब मुझे शिवलिंग के दर्शन दोगे अपने माथे पे। जब गुरुजी के पास मैं फर्स्ट टाइम गई वो सैटरडे का डे था, मंदिर में इतना रश नहीं था, तब कम संगत होती थी, और जब मैं बैठी तो गुरबानी चली। मैंने कहा है तो गुरुद्वारे का माहौल लेकिन है शिव मंदिर। तो उसके बाद मुझे गुरुजी के यही काले चोले स्वरूप में ही शिवलिंग के दर्शन हुए, चंद्रमा के भी हुए, बीच में ओम के भी हुए। तो मुझे लगा हाँ कुछ तो बात है, कनेक्शन है थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे गुरुजी से बहुत प्यार होता गया। मेरी चाची पूरे रस से मुझे सत्संग सुनाती हुई जाती थी, हम करोल बाग से उनको पिक करते थे, पूरे रस से सत्संग सुनाती हुई जाती थी। पहला जो मेरे को ड्रीम गुरुजी का आया, मैं बड़े मंदिर में ये बोला, मैंने कहा गुरुजी मैंने बड़े सत्संग सुने आपके कि आप अपने भगत से बड़ा प्यार करते हो, तो क्या आप मुझे प्यार करते हो, मुझे भी दिखाना। आप मानोगे संगत जी, पहला ड्रीम जो गुरुजी का मुझे आया, पहले एक ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा होता था मेन हॉल में, अब वो चेंज कर दिया उन्होंने लेफ्ट साइड में। वो स्वरूप है, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, गद्दी की लेंथ बड़ी हुई है, मतलब ये जो डबल सोफा है बड़े मंदिर के मेन हॉल में। गुरुजी ने अपने साथ, मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है लेकिन सत्संग सुना रही हूं मैं जो मुझे दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी देखो कितना प्यार करते हैं कि हमारी औकात भी नहीं है फिर भी हमें उस लेवल पे बिठाते हैं। गुरुजी ने अपने साथ गद्दी पे मुझे बिठाया, एक हाथ से मुझे हग किया हुआ, दूसरा मेरा सर अपने कंधे पे रखा हुआ, कभी अपना सर मेरे कंधे पे रख रहे हैं, कभी मेरा सर अपने कंधे पे रख रहे हैं, कभी मेरे फोरहेड पे किस कर रहे हैं, कभी मैं उनके हाथों पे किस कर रही हूँ, और इतना टाइट हग करा हुआ कि मैं वो ड्रीम आज भी नहीं भूल पाती जो मुझे गुरुजी ने दिखाया। वो मुझे प्यार दिखाया गुरुजी ने जो मैंने उनसे मांगा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी इतना, ना मेरा कोई कनेक्शन था, प्रॉब्लम्स तो बड़ी दूर की बात है, पहले मैंने प्यार मांगा तो गुरुजी ने वही दिखाया। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे प्यार ही मिल रहा है गुरुजी से, इतना मिला कि शायद मैं वो समेट भी नहीं पाई, मेरे अपनों ने भी नहीं दिया, जिन जिनसे मैंने प्यार किया उनके बदले भी मुझे प्यार नहीं मिला। ये तो मैं गुरु के सामने बोलती हूँ, मैंने इतना किया लेकिन मुझे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन यहाँ से मुझे इतना प्यार मिला, इतना मिला कि मुझे किसी और के प्यार की कोई जरूरत भी नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं किसी और के प्यार की। मैं अकेली ही इतनी खुश हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है जहां जहां मैं जाती हूँ गुरु मेरे साथ चलता है, मेरे अंदर जाता है। फिर गुरुजी ने जो दूसरा ड्रीम मुझे दिखाया, आप बिलीव करोगे कि मैं इतनी प्रॉब्लम में थी उस समय, गुरुजी की चेयर आ रही है, मैं अपने आंखों के सामने, ये ड्रीम नहीं था मुझे, ये साक्षात मैंने खुली आंखों से देखा है, गुरुजी की चेयर आई है। पहले वो मेरे ऐसे सर के ऊपर से लेकर ना मेरे ऐसे हार्ट पे गई वो चेयर, उसके बाद गुरुजी आ रहे हैं व्हाइट कुर्ते में, धीरे 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 करके गुरुजी छोटे होते जा रहे हैं, सर के ऊपर से आके मेरे उस चेयर पे हार्ट पे बैठ गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला अब मांग मुझसे क्या मांगती है। मैंने कहा गुरुजी बस ये कि मुझे सत्संग में जाने के लिए कोई मना ना करे, ना कोई टोके, आप जब जब मुझे बुलाओ मैं तब तब आऊं, बड़े मंदिर में बहुत आऊं, सत्संग में मैं खूब जाऊं, बस वो मुझे दे दो। वो दिन है और आज का दिन है, ना मुझे कोई टोकता है ना रोकता है, मेरी मर्जी से जब गुरु मुझे बुलाते हैं मैं जाती हूँ, और यही बस मैं को लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी दात है। तो शुक्राना है गुरु जी का, इतना प्यार देने का बहुत शुक्राना।